झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। झारखंड के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधारने का फिर मिलेगा मौका, जाने कब करे आवेदन। अगर आपका मतदान सूची में नाम नहीं है और आप उनमें अपना नाम या परिवार के अन्य सदस्यों का नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर नाम अथवा पता में कुछ संशोधन कराना चाहते हैं तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। इसके अलावा वैसे युवक जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं तो ऐसे युवक का नाम भी मतदान सूची में दर्ज हो सकता है। मतदान सूची में नाम दर्ज कराने या संशोधन करने के लिए आप 15 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे मतदान जिनका मतदान सूची में नाम या पता में संशोधन कराना चाहते हैं तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूरी करने वाले युवकों को भी मतदान सूची में नाम जोड़ने का मौका मिलेगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, विधि व्यवस्था चौपट, राज्य में बालू की हो रही है तस्करी, सरकार बेफिक्र है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, किसान त्रस्त हैं, बालू की तस्करी हो रही है, पंचायत चुनाव होने ही हो रहे हैं, इसके कारण आम जनता को नुकसान हो रहा है। मरांडी ने कहा कि 16 दिसंबर को बीजेपी राज्य भर के प्रखंड मुख्यालय पर धरना देगी, इसके बाद भी सरकार के कामकाज में सुधार नहीं होता है तो जोरदार प्रदर्शन करेंगे। सरकार को एक साल का मौका दे दिया गया है। बाबूलाल मरांडी बोले, किसान परेशान है, नेता फोटो खिंचवा रहे हैं। मरांडी ने कहा कि सरकार गीला धान बोलकर धान खरीदने से बच रही है, जबकि हमेशा से यह व्यवस्था रही है कि सरकार अगर अभी 100 किलो धान खरीदते हैं तो 15 किलो माइनस करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा है कि सरकार की इस लापरवाही के कारण बिचौलिए किसान को लूट रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो केंद्र सरकार के MSP का फायदा राज्य के किसानों को मिलता, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता बस फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। रांची में लालू यादव पर नहीं दर्ज होगा केस, थाना प्रभारी ने कहा, एक ही मामला 2 FIR दर्ज नहीं होगी। रांची के रिम्स निदेशक बंगले से बिहार के विधायक को फोन करने के मामले में लालू यादव पर रांची के थाने में केस दर्ज नहीं होगा। बरियातू थाना प्रभारी सपन मेहता ने बताया कि विधायक को फोन करने के मामले में पटना में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अगर कोई सनहा दर्ज कराता है तो थाने की यह जिम्मेदारी है कि वह सनहा स्वीकार करे। लालू यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं, फिलहाल रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। 28 नवंबर को बीजेपी के नेता अंजू रंजन अशोक ने बरियातू थाने में शिकायत की थी, इसके बावजूद के रूप में उन्होंने थाना में लालू प्रसाद यादव की ऑडियो वाली रिकॉर्डिंग भी एक पेन ड्राइव में साक्ष्य के तौर पर दिखाया था। इस रिकॉर्डिंग में लालू यादव बिहार के एक विधायक को स्पीकर के चुनाव में भाग नहीं लेने को कह रहे थे, साथ ही उन्हें मंत्री बनाने की बात कह रहे थे। खबर है कोडरमा से, विद्युत ऊर्जा चोरी को लेकर 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। थाना क्षेत्र के नगड़ी में विद्युत ऊर्जा चोरी को लेकर 7 लोगों पर कनिक अभियंता उज्जवल कुमार तिवारी ने सतवागत थाने में मामला दर्ज कराया है। छापेमारी के दौरान नगरी निवासी ईश्वरी मोदी, सुधीर मोदी, रविंद्र प्रसाद, अनिल मोदी, नुकुल मोदी, जयप्रकाश मोदी और इंद्रदेव मोदी का नाम शामिल है। सभी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस संबंध में कनिक अभियंता ने बताया कि सतगावा प्रखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विद्युत ऊर्जा की चोरी की सूचना मिल रही थी। खबर है साहेबगंज से, अब संथाल आदिवासियों ने मांगा विधिन धर्म कोड। अब संथाल आदिवासियों ने विधिन धर्म कोड की मांग शुरू कर दी है। इस संबंध में गुरुवार को संथाल समाज के कुछ धर्म गुरुओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपायुक्त रामनिवास यादव को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि संथाल के सभी प्रमंडल विशेषकर संथाल परगना में निवास करने वाले संथालों का अपना अलग धर्म है, इसे विधिन धर्म कहा जाता है। इसे हमारे पूर्वजों ने आदिकाल में स्थापित किया था, यह संथालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधिन धर्म संथालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज के लोगों ने कभी इसके प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ बाहरी लोगों ने इसका लाभ उठाया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर संथालों को धर्मांतरित कराकर अपने धर्म में शामिल करा लिया, इससे संथालों के बीच विभेद भी पैदा हो गया है। 2010-11 में संथाल ने विधिन कोड के लिए
प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा था, लेकिन राज्य सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने अपने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। खबर है लातेहार से। 8 महीने बाद लोगों के लिए सुलभ हुई 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवाएं। गरीबों के लिए शुरू 108 एम्बुलेंस सेवा चंदा वासियों के लिए 8 महीने बाद फिर सुलभ हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद 108 एम्बुलेंस कोरोना परिवहन में लगा था। इसके कारण सड़क दुर्घटना समेत आपातकाल में CHC पहुंचे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 7 दिसंबर को ट्रेन दुर्घटना में एम्बुलेंस की कमी के कारण रेल दुर्घटना में घायल महिला रूपमणी देवी की मौत भी हो गई थी। तभी एम्बुलेंस के CHC परिसर में खड़ी रहने के बावजूद घायल को उसकी व्यवस्था नहीं मिलने का मामला गरमाया था। इसके बाद सांसद कोटे से प्रदत्त निष्ठा फाउंडेशन के एम्बुलेंस को अस्पताल का परिसर में खड़ा करा दिया था, लेकिन गरीब और असहाय के लिए इसे ले जाने में आने वाले खर्च के कारण समस्या मुंह बाएं खड़ी हो गई है। क्षेत्र में कोरोना मरीज की संख्या नगण्य होने के बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसे आम जनता के लिए सुलभ करने देने का निर्णय लिया गया। बैटरा की कमी के कारण यह कुछ दिन तक यूं ही पड़ी रही। 8 दिसंबर को बैटरा लगाया गया। अब खबर थोड़ी ट्रेन अपडेट से। पटना से रास्ते नई दिल्ली जाने वाले राजधानी के समय बदला गया। बिहार की राजधानी पटना के रास्ते कोलकाता से नई दिल्ली जाने वाले राजधानी एक्सप्रेस का समय बदला गया है। यह ट्रेन 20 दिसंबर से अपने नए समय पर कोलकाता से और 25 दिसंबर से नई दिल्ली से रवाना होगी। पूर्व रेलवे ने यह जानकारी दी है। अब खबर थोड़ी मौसम विभाग से। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम और उच्चतम तापमान में 1-1 डिग्री सेल्सियस की होगी वृद्धि। रांची में मौसम सामान्य बना हुआ है। शाम ढलते ही कनकनी बढ़ती है और सूरज के निकलते ही मौसम में गर्माहट आ जाती है। आसमान पूरी तरह साफ है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक गुरुवार को भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिन तक उच्चतम और न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती जाएगी। बुधवार को शहर का न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 68% तथा न्यूनतम 40% रिकॉर्ड की गई है। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए नए संसद भवन का भूमि पूजन तो भड़क उठे सुरजेवाला, ट्वीट पर कर दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरुवार को नए संसद भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थना की। हालांकि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद और उन्होंने ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सिख सैनिकों को भड़काया, कश्मीर में अलगाववाद का समर्थन। SFJ के खतरनाक इरादे। 36 साल पहले ऐसे ही खोए थे 574 जवान। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा दायर चार्जशीट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि अमेरिका आधारित सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ जो एक खालिस्तान समर्थक संगठन है, भारतीय सेना में शामिल सिख समुदाय के भीतर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता रहा है। इस खुलासे से पता चला है कि SFJ इन सिख सैनिकों को देश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भी उकसाकर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता रहा है। बंगाल में बवाल, रैली के लिए पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर पथराव। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डायमंड हार्बर से गुजर रहे उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, साथ ही उनके काफिले पर पथराव किया गया। वह पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के लिए दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। AK वर्सेस AK, अनिल कपूर और नेटफ्लिक्स दोनों ने मांगी भारतीय वायुसेना से माफी।
अनुराग कश्यप और अनिल कपूर की एके बीएसएके को लोगों की नजर में लाने के लिए दोनों ने ट्वीट बार छेड़ा, लेकिन इस ट्वीट बार के खत्म होते ही अनिल कपूर के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया। अनिल कपूर ने इस शो के एक सीन का वीडियो ट्वीट किया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से उन्हें इसको लेकर माफी मांगने को कहा गया। खुद को इस मामले में घिरता देख अनिल कपूर और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भारतीय वायुसेना से इस मसले में माफी मांग ली है। अब सोशल मीडिया पर शो के एक्टर अनिल कपूर ने एक वीडियो शेयर कर वायुसेना से माफी मांग ली है। किसी को कुछ नहीं हुआ, सभी सुरक्षित है, नड्डा के काफिले पर पथराव को लेकर बंगाल पुलिस का जवाब। पश्चिम बंगाल में कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव की घटना हुई थी। घटना के दौरान भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर ईंटें फेंकी गई। इस घटना के तमाम वीडियो और तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बनी हुई है। यह सब बंगाल पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस ने कहा कि किसी को कुछ नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित हैं। किसानों को फसल बेचने की स्वतंत्रता मिले, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो तो किसी को क्या आपत्ति होगी, कृषि मंत्री ने कहा। नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान आंदोलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में नरेंद्र सिंह तोमर ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुई घटना को लेकर ममता बनर्जी की निंदा की और घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आतंकियों पर तगड़ा वार, भारत ले रहा ताबड़तोड़ एक्शन, लाल हुआ पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि सेना की मुस्तैदी से वो लगातार अपने मंसूबे में फेल होता जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जम्मू एंड कश्मीर के वमंतीपोरा में इस सहयोगी की गिरफ्तारी की है। लालू यादव के कॉल रिकॉर्डिंग केस में रांची पुलिस ने ऐसा बयान देकर सभी को चौंकाया। बिहार झारखंड की सबसे बड़ी खबर झारखंड के रांची से आ रही है। मामला चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजा सुब्रमण्यम और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित ऑडियो टेप से जुड़ा हुआ है। झारखंड पुलिस ने केस लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी मामला मेरे पास नहीं आया है। भारतीय सैनिकों के जवाबी हमले में चार चौकिया तबाह, दो पाक सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने पाक गोलीबारी का जवाब देते हुए दो पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। चार पाक चौकिया भी नेस्तनाबूद कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार को रात करीब 10 बजे एलओसी रेखा से सटे गांव मनकोट और कृष्ण घाटी में गोलीबारी की थी। इस दौरान हल्के व भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। गोलीबारी की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। देखिए लोग क्यों कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर हो हल्ला, मचा रही है कांग्रेस के हाथ, किसानों के खून से रंगे हैं। किसानों पर अत्याचार करने में कांग्रेस का कोई शानी नहीं है। यह 1998 की बात है, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में मुल्लुताई हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस फायरिंग में 22 किसान मारे गए थे। फायरिंग का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ही दिया था। केंद्र सरकार रिटायर्ड कर्मियों को अनुबंध पर दे रही है नौकरी, मिलेगा कितना परिश्रम जानिए। केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड कर्मियों को अनुबंध पर नौकरी दे रही है। कोरोना काल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मियों को अनुबंध आधार पर नौकरी दी गई है। अनुबंध वाले पदों में निदेशक, सलाहकार और निजी सहायक से लेकर उनके तकनीक पद शामिल है। 12 दिसंबर यानी कल से बदल जाएगा पोस्ट ऑफिस का ये नियम। आज ही निपटा लिए काम, नहीं तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में खाता है तो अब आप ये नियम जरूर जान ले। कल यानी 12 दिसंबर 2020 से पोस्ट ऑफिस के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 11 दिसंबर तक 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। अगर 12 दिसंबर को ग्राहकों के खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो आपको मेंटेनेंस चार्ज देना होगा।
रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग का बदला नियम। जानिए कब क्या करना होगा। ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए रेलवे ने नियमों में हल्का सा बदलाव किया है। अब यात्रियों को टिकट बुक करवाते समय कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए अपना ही मोबाइल नंबर देना होगा। दरअसल रेलवे ने यह कदम टिकट दलालों और फर्जी टिकटों की संख्या को देखते हुए उठाया है। खबर खेल जगत से, बॉक्सिंग डे टेस्ट, 30,000 तक हो सकते हैं दर्शक, पाबंदी पर मिली रियायत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे क्रिकेट टेस्ट के लिए दर्शकों की संख्या प्रतिदिन 30,000 भी हो सकती है, क्योंकि विक्टोरिया सरकार ने गुरुवार को दर्शक संख्या पर लगी पाबंदी में कुछ रियायत दी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया सीमित ओवरों की श्रृंखला के जरिए मैदान पर दर्शक लौटे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।